हूँ आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले में वायरल एक वीडियो में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने का मामला जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में आया, इसे उन्होंने गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधितों को केस वापस लेने के निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों का अधिकार है और हम इसके प्रबल पक्षधर हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इस तरह के कार्य पूर्व की सरकार की परंपरा रही है, जबकि कांग्रेस सरकार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता की प्रबल पक्षधर है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लोगों से अपील की है कि वो अभिव्यक्ति के दौरान संयम बरतें। उन्होंने राजद्रोह के मामले को तत्काल वापस लेने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को न होने, इनका विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी संबंधितों को दिए हैं। में नहीं लगना चाहिए और हमने तो घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था 124 ए जो है यहाँ जाइए। और जैसे मुझे जानकारी मिली मैंने इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को बिना तथ्य के अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उसके लिए अलग धाराएं हैं, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। राजनांदगांव जिले में वायरल एक वीडियो में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने का मामला जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में आया, उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधितों को केस वापस लेने के निर्देश दिए हैं। मुकदमे नहीं लगना चाहिए और हमने तो घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था 124 ए जो है यहाँ जाइए। और जैसे मुझे जानकारी मिली मैंने कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को बिना तथ्य के अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उसके लिए अलग धाराएं हैं, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार के जीवनदीप समिति की बैठक में विधायक चक्रधर सिद्धार अन्य सदस्य शामिल हुए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा पर चर्चा का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वास्थ्य केंद्र के सुव्यवस्थित संचालन पर सुझाव दिया गया और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई अहम निर्णय लिया गया। और विधायक ने बताया है कि बहुत जल्द शव गृह का काम चालू हो जाएगा। बंद पड़े 102-108 के लिए भी हमने छत्तीसगढ़ शासन को अवगत करा दिया है, बहुत जल्द नया वाहन भी आवंटन हो जाएगा। ये क्या जीवनदीप समिति की व्यवस्था नहीं कर सकती? इसके लिए चर्चा की गई है और बहुत जल्दी उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी यहाँ। और मेरा पूरा प्रयास है कि आम जनताओं का उसका लाभ मिले, शासन के जो जितना सुविधा मिलता है वो शासन का सुविधा मिले उनको। कांकेर जिले में नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुरनार के जंगलों में बीती रात डीआरजी और नक्सलियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने दो माओवादियों को मार गिराया। घटनास्थल से दो शव एवं हथियार भी बरामद हुए। मारे गए माओवादी कोरर बुधियार मारी और एलजीएस कमांडर दीपक उर्फ पीला राम था, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। दूसरा किसकोड़ा एलजीएस सदस्य रतिराम था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। असॉल्ट राइफल कहना चाहिए जी थी, वो भी इसमें मिली है। तो कुल मिला के हर दृष्टि से और दो कमांडर मारे गए हैं, एक 5 लाख के इनामी है और एक 1 लाख के इनामी है। दोनों की काली वर्दी थी जो कि माओवादियों में जो बड़े कमांडर होते हैं उनको मिलते हैं। तो कुल मिला के पुलिस अधीक्षक कांकेर के नेतृत्व में और आईजी विवेकानंद के नेतृत्व में जो ऑपरेशन चल रहे हैं। वह बात करते हैं आज कसडोल नगर में जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद गुहाराम अजगले आम जनता का आभार करने पहुंचे। नगर में भव्य रैली निकालकर गायत्री चौक होते हुए नगर के बजरंग चौक में सभा को संबोधित किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उस पर
खरा उतरने का प्रयास करूंगा, क्षेत्र की जनता के सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा, और साथ ही साथ यहां सभी का आभार भी व्यक्त किया। विजय परिणाम आने के पश्चात कार्यकर्ताओं का, क्षेत्रवासियों का आभार करने की परंपरा रही है, और उसी के अनुरूप आज कजदोल विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का आभार और क्षेत्रवासियों का आभार कार्यक्रम में हम लोग आए थे और बहुत ही बेहतर कार्यक्रम रहा। रायपुर महापौर के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता नगर निगम के ऑफिस पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यालय के गेट को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर झूमाझटकी भी हुई। पदभार संभालने के बाद रायपुर के नए कलेक्टर एस भारतीदासन ने कलेक्ट्रेट के रेडक्रॉस भवन में जिले के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक लेने के बाद कलेक्टर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़ी समस्याओं के निराकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा और किसी भी लेवल पर कोई भी डील नहीं होगी। बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जनता के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। पानी को जो कंजर्व करने के लिए जो बात है उस पर हम बात किए हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा के एक उदाहरण पेश करें। रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में भी पश्चिम बंगाल की घटना के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से कोई भी डॉक्टर ओपीडी में नहीं जा रहा, केवल इमरजेंसी सेवा में ही इलाज के बाद डॉक्टर कह रहे हैं। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टर कहीं भी महफूज नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई वह घटना काफी निंदनीय है। हमारे साथ भी आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के विरोध में आज प्रदेश भर में जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं, और इसका नजारा यहाँ पर अंबेडकर अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है। जो तमाम जूनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो ओपीडी है उसमें वो नहीं जाएंगे। पूरी तरीके से जो कामकाज है वो आज बंद हो गया है, लेकिन मरीजों की बात की जाए तो मरीजों को काफी परेशानी इससे हो रही है। सीधे तौर पर इसका खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि डॉक्टर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मारपीट पश्चिम बंगाल में की गई है वैसी नौबत राजधानी रायपुर में भी आती रहती है, तो मरीजों को खासतौर पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ मरीज से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनको क्या परेशानी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर हैं वो काफ़ी अहम होते हैं, और इस तरीके से अगर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो पूरी तरीके से जो अस्पताल का कामकाज है वो प्रभावित होता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हड़ताल चल रही है, कुछ मरीज हमसे जाने कि आप आए हैं यहाँ पर क्या इलाज के लिए? दिलवारी हड़ताल से असर तो पड़ेगा। हाँ, पता था आपको पहले हड़ताल? नहीं पता नहीं। क्या परेशानी होगी? दिलवारी में प्रॉब्लम रही, इसने हार्ट की बीमारी, हार्ट हो गई। हाँ, वो करना लेके तो हो नहीं पा रहे अब ठीक से। अभी ठीक है, बंद है? ठीक है, ठीक है। ओपीडी बंद है तो परेशानी बहुत हुई। हाँ, तो सीधे तौर पर मरीजों को परेशानी हो रही है। कुछ और है, मरीज हैं उनसे बात करते हैं। अम्मा कहाँ से आए हो आप? मैं इस बार से। ये पता था धरना आज प्रदर्शन यहाँ पर होने वाला है, ओपीडी बंद है? पता नहीं है सर, ये प्रदर्शन डॉक्टर लोग कर रहे हैं तो ओपीडी बंद रहेगा तो परेशानी तो होगी आप लोग? परेशानी होगा का गर्भवती वाले हमन जाँच करावे लाथन टिकट परेशानी हुई उसका दुख से हमन आठन तब पर्ची कटा ले होगा? हम अभी नहीं कटाए, वो इलाज की व्यवस्था है वाला, इलाज के लिए आए अभी, वो जैसे सिंपल वाला ही है
जो एचआईवी जांच वाले पर आए हैं। तो अब प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल मेकाहारा है और इस तरीके से अगर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं और हड़ताल पर हैं तो निश्चित तौर पर सीधे मरीजों को उसका नुकसान होगा। बड़े दूर से मरीज यहाँ पर बड़े बड़े इलाज के लिए आते हैं लेकिन इस तरीके से ओपीडी बंद है तो उनका इलाज आज नहीं हो पा रहा है। खबर कोरबा से है जहां पर आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 3 टिकट दलालों को पकड़ा है। उनके पास से टिकट भी जब्त किए गए हैं। आरपीएफ को लंबे समय से टिकट की दलाली होने की शिकायत मिल रही थी। ऐसे दलाल फेक आईडी से रेलवे का ई टिकट निकालकर उसे ब्लैक में दिया करते थे। सूचना के आधार पर आरपीएफ के जवानों ने कटघोरा के सेंटर में दबिश दी जहां अनाधिकृत आईडी से रेलवे टिकट बनाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज जो कार्रवाई की गई है ये रेलवे ई टिकट रेल आरक्षण टिकट की जो अवैध रूप से खरीदी बिक्री करते थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान कटघोरा से 2 टिकट दलालों को और एक साढ़ा कालोन एनटीपीसी से 1 दलाल को। कहते हैं कि इरादे पक्के हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल आसान हो सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया महासमुंद जिले के मुड़ीपार गांव की रहने वाली इंदु निषाद ने, जिनका चयन मेडिकल एमबीबीएस के लिए हुआ है। तमाम तरह की आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए इस लड़की ने हार नहीं मानी और उसी का नतीजा है कि नीट की परीक्षा में 720 में से 563 अंक प्राप्त कर लिए और एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अपनी जगह निश्चित कर ली। इंदु के पिता तुलाराम निषाद और माता मथुरा निषाद मजदूरी करते हैं। इंदु निषाद ने प्राथमिक पढ़ाई विद्यालय मुड़ीपार सकुल छिबर्रा से प्रारंभ की थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कक्षा 6वीं से ही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय लाखागढ़ में दाखिल लिया और 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 10वीं महासमुंद और 12वीं पिथौरा से उत्तीर्ण की। जो जितने भी गरीब हैं उनको नहीं सोचना चाहिए कि मतलब पैसा कहाँ से आएगा, उसको उनको मेहनत लगा के पढ़ना चाहिए। वो बाद में हो जाता है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप सोचोगे तो फिर आप कर सकते हो, तो अगर मेहनत करोगे तो हो सकता है। बहुत खुश लगा था पढ़ा है इतनी करके पैसा वैसा जुगाड़ करके फटे फटे आके मेहनत करके देखो आप मन परिवार में दे दिन है नायक मैडम सहायता करी से जागो भी करी ऐसे कर करके पढ़ा है। बहुत रोजी मजदूरी करे हूँ कर लिए भट्ठा जाए हूँ 6-7 साल ले हाँ आगे बढ़ाए सोचते हैं। इसमें इतना खुशी हो रहा है क्योंकि नायक मैडम जब से अधीक्षिका थी हमेशा उसको बालिकाओं को आगे बढ़ाने का था और बता रही थी कि मेरे लड़की का जब अने सिलेक्शन हुआ तो जितना खुशी हो रहा था उससे कई गुना अभी इंदु के अने सिलेक्शन में खुशी हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने कोचिंग की क्लास अटेंड की और वहाँ पे जो है बहुत कुछ उनको उससे सहयोग मिला और उसी का ये प्रतिफल है कि आज जो है बीच में हमारी कस्तूरबा विद्यालय की तत्कालिक अध्यक्षा नायक मैडम उनकी पुत्री का चयन अभी व्यस्त हुआ था उसी से जो है वो प्रेरित होकर जो है इंदु निषाद करने के लिए खाली मन में इच्छा जाहिर की थी। बार बार हम उनको लगातार वोल्टिंग भी करते रहे समझाते थे और ये एक ऐसा प्रयास रहा कि इससे सारे बच्चे जो प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से उनको बहुत बहुत बधाई देना। कवर्धा में इन दिनों बिजली की समस्या शहर से लेकर गांव तक बनी हुई है। 4 दिन पहले तेज आंधी के कारण यहां 300 से अधिक विद्युत पोल गिर गए थे जिससे आज तक दुरुस्त नहीं किया गया। बार बार हो रही ट्रिपिंग से लोग काफी परेशान हैं। वनांचल के 200 से अधिक गांव की विद्युत व्यवस्था ठप हो चुकी है। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। भाजपा इसे कांग्रेस की विफलता बता रही है। उधर विद्युत विभाग का कहना है कि व्यवस्था ठीक करने में 10 दिन का समय लग सकता है। जब से मुझे समझ में आया है तब से मैंने नहीं देखा है कि मैं 1 घंटा आधा घंटा से ऊपर कभी लाइट कवर्धा में गोल तो नहीं हुई। वो कभी विरले कभी हुई है तो 1-2 घंटा लेकिन ऐसे कभी नहीं हुई है। आज 8-7 घंटे डेली लाइट गोल होना मतलब एक दुर्भाग्य का विषय है। अंबिकापुर में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना कुनी चौकी क्षेत्र के घटौन की है जहां पर लोगों को हाथियों के हमले से बचाने के लिए लगाए सोलर फेंसिंग के तार की चपेट में आ जाने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया था जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दरअसल गांव में हाथी के
चिंघाड़ने की आवाज सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। इस दौरान बाबूलाल नाम का युवक भी भागने लगा, तभी वो हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा लगाए गए सोलर फेंसिंग के तार की चपेट में आ गया। वहीं लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। महासमुंद जिले में खेल सुविधाओं के अभाव और खेल कोच की कमी के कारण खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जिले में जो खेल की सुविधाएं हैं उनके अभाव से खिलाड़ियों का SGFI नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि SGFI चयन के बाद ही खिलाड़ियों की टीम बनाई जाती है और उनका मुकाबला देश की अन्य टीमों से होता है। इस पूरे मामले में कलेक्टर का कहना है कि जो सुविधा उपलब्ध है उसमें ही खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह सर, मैं स्पोर्टी कर रही हूँ और सीनियर गर्ल्स में सिर्फ मैं अकेली हूँ, तो रैपिड की टीम से बस खेलती हूँ मैं सीनियर टीम से, और जूनियर गर्ल्स में दो तीन गर्ल्स से बस हैं तो सब रैपिड से खेलते हैं। सर वही चीज़ है, कोचिंग ही प्रॉपर अगर मिले कोच की बस समस्या हो जाती है यहाँ पर महासमुंद में, तो हमारे गेम नहीं बहुत से और गेम है, तो मेन चीज़ वही कोच का ही बस प्रॉब्लम, अगर वो सही से मिल जाए हम लोग को प्रैक्टिस और कोचिंग तो बन सकती सर कुछ बात। प्रॉब्लम कोच की है, NIS कोच हमारे जिले में केवल क्रिकेट में है, एक हैंडबॉल में है, उसके अलावा नहीं है, तो कोच बेहतर होने से खिलाड़ी बेहतर होते हैं। हम निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि हमारे राज्य के जो बेहतरीन प्रशिक्षक हैं उनको आमंत्रित करके कुछ सप्ताह में कम से कम एक दिन दो दिन या महीने में दो चार दिन का एक उनकी उपस्थिति हो और उनका प्रशिक्षण करा करके हमारे प्रशिक्षकों को भी अगर वो बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर दें तो निश्चित रूप से इसमें सुधार आएगा। जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो धीरे धीरे निश्चित तौर पर हम सभी सुविधाओं को विकसित करने का पूरा प्रयास करेंगे। कांकेर के अंतर्गढ़ में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई और जिसमें दो नक्सली ढेर हो गए। घटना स्थल से मारे गए नक्सलियों के शव को हथियार के साथ बरामद किया गया। मुठभेड़ ताड़ोकी थाना क्षेत्र के मुरनार के जंगलों में हुई और सर्चिंग पर निकले DRG की टीम को यह सफलता हासिल हुई। जवानों ने मुरनार के जंगल में सर्चिंग की, उसी दौरान नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई और दो नक्सलियों को मार गिराया गया। नक्सलियों के पास से दो SLR, एक 303 और एक 315 बोर बंदूक बरामद की गई। फिलहाल जंगलों में सर्चिंग तेज कर दी गई है। इसके आधार पर नक्सलियों के साथ इनकी एनकाउंटर और इस मुठभेड़ में दो नक्सली वर्दी पहने हुए। कोरबा जिले के पहाड़ी इलाके में रहने वाली एक युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि युवक लंबे समय से युवती के प्रेम के उसे जाल में फंसाकर उसके साथ बलात्कार करता रहा था और कहता रहा कि वह शादी करेगा। प्रेम कहानी चलते युवती को युवक पर शक हुआ तो वह शादी नहीं करेगा, तो युवती ने गर्भवती होने की झूठी कहानी बनाई और युवक से कहा कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। प्रेमी युवक ने युवती को गर्भपात देने की गोलियां दी। युवती ने शादी की बात कही तो युवक ने शादी करने से मना कर दिया और कहा कि मेरी शादी कहीं और दूसरी जगह तय हो चुकी है, बस फिर क्या था। युवती ने थाने पहुंचकर युवक की शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। ये है कि एक पीड़िता है, खरमोरा में रहती है, आदिवासी है। जब एक युवक से सतीश कुमार निषाद बरपाली वाले के नाम से एक दलित शोषण की साल भर से दलित शोषण झांसी। डोंगरगढ़ में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा ने शासकीय पैसों का दुरुपयोग करने वाले ग्राम अंडी के पूर्व सरपंच रवि कन्नौजे को जेल भेज दिया है। पूरा मामला डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत अंडी का है, जहां 2010 से 2015 तक सरपंच रहे रवि कन्नौजे के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत सामुदायिक भवन के निर्माण की राशि की वसूली का प्रकरण जारी था, पर विगत 6 महीने से वसूली की राशि जमा नहीं करने तथा प्रकरण की पेशी में उपस्थित नहीं होने के कारण मामले पर कन्नौजे को 1 माह के लिए सिविल जेल भेज दिया गया। निर्माण नहीं कराया जा रहा था, उसमें 2,08,630 रुपए की वसूली की कार्रवाई चल रही थी। संबंधित सरपंच को लगातार अवसर दिया गया, किंतु पिछले 6 महीने से वो न तो पेशी में उपस्थित हो रहा था न ही वो राशि जमा कर रहा था। उसमें पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के तहत कार्रवाई करते हुए 1 माह के लिए सिविल कारावास में भेजा गया है। धमतरी के मगरलोड में जहरीले पानी पीने से दो हिरणों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत पहादा का है, जहां के जंगल कक्ष क्रमांक 114 में दो हिरणों की मौत हो गई है।
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उत्तर सिंहपुर मोहदी वन परिक्षेत्र के अधिकारी आरोपी की तलाश में जुट गए हैं। वन्य जीवों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों के शव का दाह संस्कार किया गया। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर बड़ौदा बाजार के नागरिकों ने जिला चिकित्सा पहुंचकर रक्तदान किया। बड़ी संख्या में युवा बुजुर्ग एवं महिलाएं शामिल थीं। सबसे पहले ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा ने रक्तदान किया। इसके बाद रक्तदान करने वालों की लाइन लगी रही। इस अवसर पर ब्लड डोनेट करने वालों को सिविल सर्जन डॉक्टर अभय सिंह परिहार ने प्रशस्त पत्र देकर सम्मानित किया। अच्छा लग रहा है, क्या देना चाहेंगे? सबको देना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है, उल्टा बेनिफिट है और आगे भी मैं दूंगा। ये मेरा प्लान है। उनके पास फोन आया भैया का, तो बस मेरी इच्छा हो गई कि मैं भी ब्लड डोनेट करूँ। आज पहली बार दे रही हूँ। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि किसी को मेरे ब्लड की जरूरत होगी तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इससे पहले भी 9 बार दे दिया था, आज 10वां बार भी ब्लड डोनेट किया हूँ और हमेशा ऐसा अवसर आएगा तो मैं देते रहूँगा ताकि दूसरों का भला हो सके जिसको जरूरतमंद है। 5वीं बार ब्लड डोनेट किया हूँ, पहले मैं रायपुर में निकाहर में किया था और उसी के ब्लड बैंक में किया था और आज विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज मैंने रक्तदान किया है और मेरे को बहुत सुकून लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रक्तदान करने से किसी को कमजोरी या ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आज मैं रक्तदान करने के बाद भी इतना हाफा दौड़ किया हूँ उस केस को मैनेज करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से मेरे को कोई कमजोरी या ऐसा नहीं लग रहा है। सुबह 9 आज 14 जून 2019 को आज रक्तदान शिविर का उद्घाटन 9 बजे हुआ। इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ के ब्लड इंचार्ज डॉक्टर ए.के. वर्मा द्वारा सरकार लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर महीने बड़ा बजट दे रही है, लेकिन इन सुविधाओं की जमीनी हकीकत क्या है ये जानना है तो बेमतरा चलिए। जहां मरीजों सुविधा देने वाला सिस्टम भी बीमार पड़ा है। दरअसल प्रदेश सरकार ने हेल्थ मोबाइल यूनिट वैन की व्यवस्था की है। इसके जरिए गाँव गाँव पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य जाँच और परामर्श के साथ ही उनका उपचार किया जाता है, लेकिन इस व्यवस्था को जब जिला कलेक्टर ने जांचा तो इसके क्रियान्वयन में घोर लापरवाही देखने को मिली। जिस मोबाइल यूनिट वैन को लेकर सरकार पानी की तरह पैसे खर्च कर रही है, उसी वैन में गांव तक पहुंचने के लिए पेट्रोल तक नहीं है, अब ना ही मशीनें चालू हैं। सवाल यह है कि अब बीमार पड़ी हेल्थ मोबाइल वैन भला कैसे किसी की मरीज की जो बीमारी है उसे दूर करेगी। साफ है कि इस सेवा के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर कोई गड़बड़ जाला नहीं होता तो ये व्यवस्था एकदम दुरुस्त होती। इसमें लाखों रुपए शासन जो है देकर मोबाइल यूनिट व्यवस्था किया गया है। इसमें जो न्यूक्लियस डॉक्टर भी रखे गए हैं उसका सदुपयोग होना चाहिए और जो शेड्यूल बनाकर दिया है उसके अनुसार काम करना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट है वो चालू रहे और लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले। प्राइवेट एजेंसी ने अपने सारे सेटअप करके उसको टाइप किया, MOU कहलाता है। कितना पैसा खर्च होगा सर महीने में? मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बाकी निश्चित रूप से इनका वेतन इत्यादि और डीजल वगैरह सब मिला करके एक मतलब निर्धारित खर्च तो होता ही है शासन का। खबर धमतरी के मगरलोट से, जहां पर DFO अमिताभ वाजपेयी ने जंगल का निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई है। दरअसल यहां बीते कई दिनों से अवैध रूप से बेशकीमती पेड़ काटे जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की निष्क्रियता से पूरे जंगल की बेशकीमती लकड़ी दिनों दिन घटती जा रही है। अब तक 1000 के करीब पेड़ों की कटाई की जा चुकी है। बताया गया है कि तस्कर वन विभाग के अधिकारियों के कर्मचारियों की सांठगांठ से हजारों जो बीजा पेड़ की कीमती लकड़ी को काटकर रातों रात तस्करी कर रहे हैं। हालांकि अब निरीक्षण के बाद DFO ने अवैध कटाई से हुए नुकसान की भरपाई की बात कही। मूल्यांकन किया जाएगा कितने की क्षति हुई है, उसके आधार पर जो संबंधित जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनसे कार्रवाई की जाएगी। मगरमोट के जंगल से पेड़ कटाई की शिकायत पर वन अधिकारी ने जंगल का निरीक्षण किया, जिसके बाद गुस्से में लाल हो गए। बता दें कि वन अमला के उच्च अधिकारी DFO धमतरी अमिताभ वाजपेयी ने जंगल में जाकर मौके का निरीक्षण किया, जिस पर उन्होंने वन अधिकारी व कर्मचारियों को फटकार लगाई।
छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।